वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार आइडिया और बहुत ही आसान है। इसे हम बनाएंगे मिठाई के डब्बे से। स्पेशली ये मिठाई में लड्डू का डब्बा है। लड्डू इस तरीके की पैकिंग्स में आते हैं, उनके अंदर इस तरीके का ये एक फ्रेम होता है जिसमें लड्डू सेफ रहते हैं। तो इससे आज हम अपना दिवाली का DIY बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन जो ये गोल गोल बॉक्सेस हैं इसके, इनको अलग अलग कर लेंगे। इनको काटते हुए थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक तो ये नाजुक हैं और दूसरी बात ये है कि फिर हमें इनकी शेप ख़राब नहीं करनी। अब देखिए कटिंग करके इस तरीके की शेप आ रही है। चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा जो ये रेक्टेंगुलर चीज़ हमारी दिखाई दे रही है उसको भी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये पूरा कट करने के बाद भी एक पूरा का पूरा गोल हमारे पास नहीं आया है, एक तरफ से ये चपटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा जो ऐसा पीस हमारा कटिंग करके आएगा उसको हम इसमें अपोजिट साइड से अटैच करेंगे। ये देखिए इसमें भी एक तरफ चपटा है और इसमें भी एक तरफ चपटा है, तो इसके चपटे वाले को अंदर रखेंगे और गोलाई वाले को बाहर रखेंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो देखिए ये पूरा हमारा एक फूल जैसा बन के निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरे डब्बे की कटिंग करनी है। अब देखिए जो बीच वाले हिस्से हैं उसमें हमारे दो तरफ से चपटे होंगे। ये देखिए इसमें हमारे दो दो तरफ से चपटे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, यानी कि दोनों चपटे वाली साइड में दोनों उभरे हुए चीज़, तो इससे भी हमारा फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपने सारे फ्लावर्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। इस मिठाई के बॉक्स से मेरे 9 फ्लावर्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। इसको चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का यूज़ ना करें, इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं आप, और या फिर फेवी बॉन्ड बहुत हल्का सा लगाकर उससे भी चिपका सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 5 अपने इन फ्लावर्स को रखकर एक गत्ते पर इस तरीके से फ्लावर की एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। जो जिस मिठाई के डब्बे में से हमने ये निकाला था आप उसी मिठाई के डब्बे का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक फ्लावर जैसी शेप जो है इस गत्ते की निकाल ली है, और इस तरीके से ही मैंने 3 फ्लावर वाला भी एक कटिंग किया है और एक छोटा सा मैंने सर्कल कट कर लिया है। तो इससे हम आगे अपनी DIY बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है कार्डबोर्ड का एक रोल। आपके पास जो क्या कहते हैं एल्युमिनियम फॉयल वगैरह के खाली रोल्स होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन रोल्स को कट कर लेंगे। कट करने के लिए मैंने एक रोल को लगभग 8 इंच के करीब का कट किया है और दूसरे को लगभग 5 इंच के करीब का। तो इसको मैं पूरा का पूरा गोल्डन कलर से कलर कर रही हूँ, और साथ ही हमने जो फ्लावर वाली शेप्स अपनी कट की हैं कार्डबोर्ड पर उसको मैं सबको रेड कलर से दोनों साइड में कलर करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने सारे के सारे पीसेस को कलर कर लिया है, उनको हमने सूखने देना है। और यहाँ पर ली है मैंने ये एक लेस, तो इसकी मैं 2 लाइंस को इस तरीके से कट कर रही हूँ। आपके पास ऐसी लेस नहीं है तो जो आपके पास अवेलेबल लेसेस हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस लेस का फ़ायदा ये है कि एक तो देखने में ये बहुत ही रॉयल लगती है और दूसरे ये बहुत ही आसानी से मुड़ जाती है। यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप इसको फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारा फ्लावर का शेप है उस तरीके से हम इसको घुमाते जाएंगे और ये पूरे की पूरी हमारे फ्लावर की शेप ले लेगी। तो उससे जो हमारे एजेस हैं इस फ्लावर की कटिंग के वो एकदम से फिनिश हो जाएंगे और काफ़ी सुंदर हमारा ये फूल जो है वो दिखने लगेगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये कुछ पेबल्स, 4 पेबल्स मैंने लिए हैं। पेबल्स अगर आपके पास नहीं हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उन पर लेस चिपका कर। ये हम एक तरीके से इसका बेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पेबल्स को चिपकाया, मुझे बहुत ही ईजी रखना था और जल्दी जल्दी बनाना था तो इसलिए मैंने पेबल्स लगाए और एक स्टैंड बना लिया। अब इसके बीचों बीच में हम अपना जो बड़े वाला रोल है गत्ते का उसको हम ऐसे ग्लू गन से चिपका देंगे, और यहाँ पर हम चिपकाएंगे अपनी ये जो हमने कटोरियाँ ली हैं उनको। लेकिन उससे पहले हम अपने रोल पर भी थोड़ी सी लेसेस चिपकाकर उसको थोड़ा सा और रॉयल लुक देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सबसे नीचे और मिडिल में और एक थोड़ा सा ऊपर की साइड में मैं इस लेस को कटिंग करके चिपका दूंगी। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ लुक आ जाएगा।
अब ऐसे ही हमने जो हमारे तीन पत्ती वाला फ्लावर है उसको भी तैयार कर लेना है, और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर हम इस तीन पत्ती वाले जो हमारा कार्डबोर्ड का पीस है इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको चिपका दिया, और इसके ऊपर जो हमारा छोटे वाला रोल है उस पर भी लेसेस चिपका कर और उसको भी इसके बीचों बीच में ग्लू गन से चिपका देंगे। और इसके सबसे ऊपर हम चिपकाएंगे अपना छोटा सा सर्कल। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक जो है स्टैंड तैयार हो जाएगा। ये हमने दियो के लिए स्टैंड बनाया है, जो दिए हमने मिठाई के डब्बे से बनाए हैं उनसे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैं बहुत ही हल्का हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ, वो भी थोड़ा ठंडा करके, क्योंकि गरम अगर आप लगाएंगे तो ये जो कटोरियाँ हैं आपकी वो नीचे से शेप बिगड़ जाएगी उसकी, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर इनको चिपका रही हूँ। ये खुद में ही इतनी सुंदर शीट थी कि इसको कटिंग करके मुझे इस पर ना कोई कलर करने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। और वो कहते हैं ना, हींग लगी ना फिट करी, रंग चौखा ही चौखा, वो वाली बात हो गई कि बहुत ही कम लागत में और बहुत ही रॉयल सा एक दिया स्टैंड जो है वो मेरा तैयार होने वाला है दिवाली के लिए। तो इस तरीके से हम अपने सारे के सारे जो हमने फ्रेम में से ये फूलों के दिए बनाए थे उनको हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। एक तरीके से ये हमारे दियों के स्टैंड हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्ट कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है। इनमें रखने के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरीके से ये सेल वाले दिए लिए हैं। ये सभी के पास मिल जाते हैं और आप लोग भी ज़रूर यूज़ करते होंगे दिवाली पर। तो इसके ऊपर अब क्योंकि ये बिल्कुल ही वाइट है तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए इस पर गोल्डन कलर की ये लेस इस तरीके से लगा दी है मैंने ग्लू गन की हेल्प से। और अब देखते हैं हमारे इस सुंदर से दिया स्टैंड का लुक। ये देखिए लेस से दियो की भी जो है शोभा वो बहुत ही बढ़ गई है, और गोल्डन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत निकल के आया है। देख लेते हैं अंधेरे में इसका लुक। देखिए अंधेरे में भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये DIY पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।